Kala? Yeah. क्या है? This was first time I was doing any song. तो पहली बार के हिसाब से बहुत surprising था मेरे friends के लिए, family के लिए. तो बहुत ही अच्छा response मिला क्योंकि मेरे लिए तो सब new था. बाकी मुस्कान बताएगी, उनका तो experience है. उनको कैसा लगा इस गाने का response? मुझे तो बहुत अच्छा लगा. मतलब काफ़ी लोगों ने पसंद किया है और यू नो काफ़ी टाइम बाद ऐसा सूदिंग सॉन्ग आया है, तो काफ़ी अच्छा. इन्होंने गाया भी बहुत कमाल है. थैंक यू सो मच. जी एक्चुअली गाना जो है मैंने लॉकडाउन के भी पहले रिकॉर्ड किया था. आनंद राज आनंद जी जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनके लिए, उन्होंने लिखा है ये गाना. कॉम्पोजिशन भी उन्हीं की है. तो उन्होंने मुझे गवाया. मतलब ये बहुत ही आई थिंक इंडस्ट्री में मेरा ये पहला सोलो गाना है. इसके पहले ड्यूएट्स मैंने जावेद अली जी के साथ गाया है और हिमेश जी के लिए भी गाना गाया है. तो अभी तक सारे ड्यूएट्स से पहली बार लाइक इंडिपेंडेंट सोलो एल्बम कह सकते हैं मेरा रिलीज़ हुआ है. तो इसीलिए लाइक द सॉन्ग इज़ वेरी स्पेशल और मुझे बहुत मज़ा आया. बहुत कुछ सीखने भी मिला आनंद जी के साथ रिकॉर्ड करते हुए ये गाना. जी बेसिकली ड्यूएट्स जब हम गाते हैं तो अगर आप प्रेजेंट हैं, जैसे जावेद जी जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो मैं वहाँ पे थी. उनसे बहुत कुछ सीखने मिला उनको सुन के. वो जैसे रिकॉर्ड करते हैं वो छोटी छोटी टेक्निक्स जो होती हैं वो बहुत सीखने मिलती है. और सोलो का ये एडवांटेज होता है कि आपकी एक अलग स्टैंडिंग, एक अलग इंडिविजुअलिटी बनती है उस गाने से. तो मुझे लगता है ये गाना आप सभी पसंद करेंगे, इस गाने को प्यार देंगे. तो आई होप मुझे भी लोग पसंद करेंगे. इसके अलावा जब अब मुझे ऐसा अच्छा लगता है जो हम शो करते हैं लोग सॉन्ग और अब निधि शाह भी इतने सारे गाने आए और आपका भी गाना देख के मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. तो ये एडवांटेज हो जाता है कि शो भी आप कर सकते हैं. काफ़ी हो जाता है एक्चुअली. मतलब मुझे जो फेम मिला है वो अनुपमा से मिला है और अनुपमा के बाद इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़, इतने सारे वो कहते हैं ना डोर्स खुल गए हैं कि आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो. तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है. इट्स अमेजिंग. आई गेस वी टू नो ईच अदर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड एक मतलब काफ़ी टाइम बाद शी कॉल्ड और यू नो कि एक सॉन्ग है दैट यू विल डू इन इट कि ऐसा वैसा. तो शी थॉट कि मतलब इन्हें लगा कि मैं ये सॉन्ग में एक्ट कर सकती हूँ या कर पाऊँगी. तो इट जस्ट हैपन दैट वे. ओ सावरे एक्चुअली आनंद सर का ये कॉन्सेप्ट था कि इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग राइट. कि एक फीमेल लाइक आर्टिस्ट है वो किसी अपने प्यार को इस तरीके से ओ सावरे, मतलब आप पूरा गाना सुनेंगे इट्स फुल ऑफ रोमांस. इट्स फुल ऑफ रोमांस. सो उसका बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है. आना चाहिए वापस. बिल्कुल ऐसे सॉन्ग्स बहुत कम हो गए हैं आज के टाइम पे. अगर आप कुछ बताना चाहोगे किस तरह से आप लोगों को मुलाकात हुई गाने को लेके? बहुत फनी पार्ट है ये. हमने मुस्कान से मैं पहली बार तो कभी मिला नहीं. मुस्कान और आकृति एक दूसरे को जानते थे. मैं आकृति का छोटा भाई हूँ. तो मुस्कान सेट पे सुबह 6 बजे पहुँची. मैं सुबह 6 बजे पहुँचा. वो पहली बार था जब मैंने मुस्कान से मिला, बात की. हमारा पहला शॉट था साथ में. तो हम लोग साथ में खड़े. मैंने आया है मुस्कान. वहीं से हम शुरू हो गए. इनका ये फर्स्ट टाइम है. और गाने को लेके कुछ अगर आप बताना चाहोगे? हाँ बताओ ड्यूरिंग द बात है क्योंकि आज तक मैंने इतने सारे इंटरव्यूज को ये एक बात है, एक मेमोरी रहती है. बहुत सबसे बेस्ट बात तो मुस्कान की तारीफ मैं करना चाहूँगा. बिना कोरियोग्राफी ने मुस्कान ने क्या डांस किया था. मतलब जब गाना शुरू हुआ तो कुछ भी प्लान नहीं था. गाना शुरू हुआ और मुस्कान ने 3 मिनट जो डांस किया, डायरेक्टर ने भी कट नहीं बोला. गाना चलता रहा, मुस्कान डांस करती रही.
बहुत फन था मुस्कान लव डांसिंग. मुस्कान को कोरियोग्राफर की जरूरत नहीं, कोरियोग्राफर. देखो डांसिंग, उसके लिए तो पहले थैंक यू. डांसिंग का तो बचपन से ही रहा है, क्योंकि एक्टिंग के पहले मैं डांसिंग में थी और डांसिंग से मैं एक्टिंग में आई हूँ. तो डांस ऐसा है कि आप गाना बजाओ और मैं चालू हो जाती हूँ. तो मज़ा आता है यार, डांसिंग इज़ फन, इट्स माई थिंग. एक्चुअली मैं कहूँगी कि अनुपमा इज़ द शो जहाँ से मुझे अपनी पहचान मिली है, जो लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं और काफ़ी लोग जानने लगे हैं एज पाखी. तो अनुपमा आई थिंक मतलब मेरा स्टेप वन है, इसके आगे मुझे और बढ़ते जाना है. और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि यू नो इतने अच्छे को एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला है और हर दिन एक नई चीज़ सीखने को मिलती है. फ्यूचर प्लान्स अभी बहुत सारी चीज़ें लाइन अप हैं और ऐसे ही अगर सबका प्यार और सपोर्ट बनता रहा तो मैं आगे बहुत कुछ करना चाहूँगी, नॉट ओनली इन टीवी, वेब सीरीज, मूवीज, बहुत सारी चीज़ें. हाँ जी, अभी मैं बकेट लिस्ट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं बोलने आऊँगी तो खत्म ही नहीं होगा. पर हाँ जी, मैं ए आर रहमान जी के लिए गाना चाहती हूँ, वो मेरे लिए सबसे बड़ा ड्रीम है. और उसके अलावा अभी मैं जैसे आनंद सर के लिए और भी गाने मैंने रिकॉर्ड किए हैं, जावेद मोहसिन जी के लिए मैंने कुछ गाने रिकॉर्ड किए हैं, ऐसे और भी हैं आगे. मेरा खुद का भी यूट्यूब चैनल है, आई हैव 4,30,000 सब्सक्राइबर्स, उस पर भी मैं अपने ओरिजिनल्स अपलोड करती रहती हूँ. तो हाँ, म्यूज़िक से रिलेटेड जैसे इंडिपेंडेंट म्यूज़िक काफ़ी सारा है जो मैं आगे भी करती रहूँगी. अपॉर्चुनिटीज़ मिले, अच्छी जगह काम मिले, मेरा तो ये पहला था. इसके बाद देखते हैं, अगर कभी कोशिश रहेगी कि मेरे को भी कोई अनुपमा नहीं नहीं मिलेगा मिलेगा, कोशिश करो, मिलेगा जरूर. हाँ, मतलब अगर मुझे चांस मिलेगा तो आई वुड लव टू गो. झलक इज नाइस और बहुत सारे हमारे स्टाफ लिस्ट पे भी आता है, बीच में चालू तो होता, मुझे नाम याद नहीं है, बट डांसिंग से रिलेटेड जो भी रियलिटी शोज है. मैं बिग बॉस के अभी उस जॉनर में नहीं आती हूँ, एक्चुअली बहुत ही शांत टाइप की लड़की हूँ, तो आई डोंट थिंक सो मैं बिग बॉस में जा पाऊँगी. नहीं मैं ओके ओके एकदम अपोजिट, एकदम उल्टा, एकदम अपोजिट. मैं बट अभी तो पाकी सुधर गई है, बट पहले बहुत थोड़ी बदतमीज़ थी. तो मैंने कभी बदतमीजी नहीं की, बड़ों से, बड़ों को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया. सब मैं सुनती हूँ मम्मी पापा की, जो जैसा बोलते हैं मैं वैसा करती हूँ. कभी उल्टा जवाब नहीं देती. हाँ पाकी में अभी दौर चल रहा है जो लास्ट एक महीने से बाकी में काफी चेंज आया है. लास्ट वन थिंग आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू गाइस, लाइक द डायरेक्शन ऑफ द एंटायर वीडियो. यस, हाउ मच इज जस्टिफाइड टू द लिरिक्स, व्हाट वाज इन सो यू आर, आई वुड लाइक टू नो व्हाट वाज इन द हेड, व्हाट वाज इन द माइंड व्हेन यू वर क्रिएटिंग दिस थिंग, व्हेन द डायरेक्शन वाज गोइंग ऑन, हाउ मच यू वर थिंकिंग टुवर्ड्स द लिरिक्स टू जस्टिफाई करे. जब मैंने फर्स्ट हर्ड द सॉन्ग, जब मैंने पहली बार गाना सुना, कहते मेरे को भेजा,
सो माई फर्स्ट व्यू वॉज कि इसको किसी विंटेज या रेट्रो लोकेशन पे हम शूट करने वाले हैं. सी गेव मैनी ऑप्शन बट वी डिसाइडेड टू गो फॉर मांडू बिकॉज वो काफ़ी हिस्टोरिकल और काफ़ी पैलेसेस वहाँ के अच्छे थे. इवेंट देयर वी डन रेकी फॉर टू डेज देयर कि हम कहाँ कहाँ पे शूट करने वाले हैं. एंड अकॉर्डिंग टू लिरिक्स ऐसा मेरा बहुत कुछ खास फोकस नहीं था बिकॉज आई डिसाइडेड व्हेन आई हर्ड कि मुस्कान इज कमिंग इन दिस सॉन्ग सो कि मुझे लगा कि दैट विल बी अ कोरियोग्राफ सॉन्ग मतलब कि विल बी शी विल बी डांसिंग एंड परफॉर्मिंग नियर सक्षम एंड ये मेरे विजुअलाइजेशन में था. सो ऐसा ज़्यादा लिरिकली हम नहीं गए. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई ऑल्सो मेट मुस्कान फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द फर्स्ट शॉट एक्चुअली. और एक्शन बोलने के बाद जो उन्होंने परफॉर्म किया था द होल टेक गॉन और एक भी बीच में कट बोलने की जरूरत नहीं पड़ी. एंड आई वॉज प्रिटी श्योर कि ये गाना बहुत स्मूथली और बहुत अच्छा जाने वाला है बिकॉज शी इज़ कैरिंग ऑल द लिपस्टिक टुगेदर एंड वो डांस मूवमेंट ना एक्सप्रेशन के साथ वे गोइंग फैबुलस. सो मुझे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ा कि मुझे लिरिकली कोई स्टोरी क्रिएट करने की ज़रूरत है या समथिंग. सो माई होल मोटिव वॉज टू मेक द वीडियो लुक ब्यूटिफुल. गाइज सो मैं उस आवरे की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप इस सॉन्ग को इतना सपोर्ट कीजिए, इतना प्यार दीजिए कि यू नो हम ऐसे और सॉन्ग्स लेकर आए और आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहे. इट्स अवेलेबल ऑन जी म्यूजिक बाय द वे. या स्टे ट्यून्ड. सी यू.